नमस्कार किसान साथियों, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की जो वीडियो है हमारी, वो हमारे लौकी की हार्वेस्टिंग पे होगी, जो कि हार्वेस्टिंग डे है हमारा 4। और अभी लौकी दिखाऊँगा मैं गाइस ऊपर होके, ठीक है, अभी नीचे से दिखा रहा हूँ, अभी ऊपर होके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लौकी बन गए और किस प्रकार से सेफ साइज़ वगैरह हो चुका है और किस प्रकार से जो लौकी है वो तोड़ी गई है और कितने ग्राम की आपको तोड़ना है और किस प्रकार से आपको तोड़ना है, प्लस जो कलर डैमेज हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से कलर डैमेज को आप रोक सकते हो और क्या क्या प्रभाव होगा और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि आपको दिखाना और देखना आवश्यक है। क्योंकि वीडियो को अंत तक देखना गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती है जो कि आपकी लौकी को और आपके खेत के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्लस वीडियो छोड़ने से आपको ये पूरा जो है आपका सिस्टम बिगड़ सकता है और क्या के बताऊंगा और क्या छोड़ दोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये हमारी बेल वर्गीय फसल है, तो बेल वर्गीय फसल में हमारा कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। पिछली वीडियो में हमने कैल्शियम दिया था इसके अंदर, कैब मैक करके था कॉम्पो एक्सपर्ट का, जो कि उसका रिजल्ट दिखाऊंगा किस प्रकार से रिजल्ट आया है, रिजल्ट की से बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट ही मेन होता है। देखो, खड़ा होकर दिखा देता हूं, देख सकते हो किस प्रकार से जो है हमारी लौकी वगैरह सेट हो चुकी है और नई नई डीरी जो देख सकते हो कि कितनी सारी डीरी हमने इसके अंदर निकाल दी गई है। ये हमारा कैल्शियम का प्रभाव है, कैल्शियम का प्रभाव देख सकते हो कि किस प्रकार से कैल्शियम का प्रभाव आया है। प्लस बोरान जो है वो आज भी हम देंगे इसके अंदर, क्योंकि कहीं कहीं पर जो बोरान है मतलब थोड़ा कम काम किया है, ज़्यादा अब मैं 20% बोरान लाया हूँ जो है कि महाधन का है, वो भी दिखाऊंगा कि कैसा है। क्योंकि जो ये लौकी है उसका जो शेप है वो थोड़ा वाका तिरछा हो रहा है, मतलब उसका डिस शेप हो रहा है। बाकी लौकी का साइज़ देख सकते हो गाइस कि अच्छा खासा हो रहा है, ये परसों टूटेगी गाइस और बहुत ही शानदार तरीके से टूटेगी। प्लस बेल वगैरह देख सकते हो कि नीचे से बैठ के दिखा रहा हूँ, बेल वगैरह फूल वगैरह इतने सारे आए गाइस कि मानो नहीं मानो। तो अगला जो इसका हार्वेस्टिंग होगी वो अप्रोक्स 5 से 7 क्विंटल पे जाएगी, 1.5 एकड़ के अंदर जमीन की लौकी है गाइस। बाकी दवाई का स्प्रे बता देता हूँ कि देखो, ज़्यादा मेन दवाई और बहुत सारा फंगीसाइड वगैरह ये डालना ज़रूरी नहीं होता है। 150 रुपये का रिवाइव करके आएगा आपको फंगीसाइड, सिंथेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड आएगा, जो कि ज़मीन में भी दे सकते हो और आप स्प्रे में भी दे सकते हो। स्प्रे में दोगे तो आपका दवाई कम लगेगी और जो उसमें दोगे आप ड्रिप के अंदर तो दवाई ज़्यादा लगेगी, ठीक है। 1.5 एकड़ के अंदर आपका 1 पैकेट में काम हो जाएगा, और या फिर 2 पैकेट आप लगा सकते हो ड्रिप के अंदर और 1 स्प्रे के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये करते हैं कि जो आपके खरे ख़राब हो रहे हैं, दिखा देता हूँ किस प्रकार से खरा ख़राब होता है। ये कुछ इस प्रकार से करा ख़राब हो रहा है, तो इसका गाइस बस यही इलाज है कि बायर 303-2, तो ये जो करा है वो ख़राब नहीं होगा और अच्छी खासे से हमारी लौकी बन जाएगी। दूसरी बात ये है कि बायर 303 के साथ में आपको अगर फुटाव नहीं हो रहा है आपके यहाँ पर, तो आप इसमें 1261 भी डाल सकते हो, प्लस 1448 दे सकते हो गाइस। 1448 से भी आपका जो माल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है, कॉम्पो एक्सपर्ट का। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कॉम्पो एक्सपर्ट का, लेकिन जो रिजल्ट है बात उसकी करते हैं गाइस, की रिजल्ट हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे अभी फुटाव नहीं होता है तो आपकी डीरी भी तोड़ सकते हो आप, जिससे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप खुद ही तोड़ सकते हो 1.5 एकड़ के अंदर आपका भी फार्म हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आज का जो हमारा माल निकल रहा है वो किस प्रकार से और कितने ग्राम का आपको तोड़ना है। तो ये जो है वो अभी माल तोड़ तोड़ के यहाँ पर डाल रहे हैं, और जो ये साइज़ है गाइस लौकी का, ये आपको नहीं तोड़ना है क्योंकि ये मंडी के अंदर बिकता नहीं है इतना बड़ा साइज़ हमारे इधर। ये साइज़ तोड़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला है और अप्रोक्स 300 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। 300 ग्राम तक आप माल तोड़ोगे तो उसकी क्वालिटी भी बरकरार रहेगी और आपका माल का जो रेट है वो भी अच्छा खासा मिलेगा। बाकी इधर खीरा वगैरह था उसको हमने निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि उसका जो रेट था वो डाउन था। हमारे इधर अभी लौकी का रेट 7 रुपये चल रहा है, आपके इधर क्या रेट चल रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा खरपतवार हो गया है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या रेट आपकी लौकी वगैरह चल रही है। अभी जाते हैं उधर टब उठाने के लिए कि हमारा जो माल है वो भर चुका है टब के अंदर।
उधर से जाते हैं, ठीक है।